बहुत कम ऐसा मौका आता है जब पूरा फैमिली एक साथ खुशी से पागल हो जाए और बाहर घूमे। पांडे जी के घर में चिप्स का पैकेट। हमारे घर में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है ना कि हमारे घर में चिप्स का पैकेट आपको मिल जाए। तो आज इसलिए हुआ है क्योंकि आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। पापा इस खुशी में लेकर आए हैं, पता नहीं आज खुशी पापा को हुआ, शायद कुछ अच्छे लम्हे याद आ गए होंगे कुछ साल पहले के, 20 साल पहले। हमें कहा है, हमें चिप्स से मतलब था, चिप्स मिल गया। अब आप पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं मम्मी पापा के लिए शाम को। हमारे घर जब कुछ सेलिब्रेशन होता है या किसी का एनिवर्सरी होता है, किसी का बर्थडे होता है, तो हमारे डांट खाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं हमारे डांट खाने के चांसेस। मम्मी शाम को कहाँ चल रही हो? हमारा शाम को प्लान है कहीं बाहर जाने का। दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। है भी टेस्टी होता है ये अक्सर मम्मी पापा के एनिवर्सरी में ना हमसे पूछते हैं, मम्मी पापा क्या खाओगी, कहाँ घूमने चलोगी, हम लोग रिठले अभी कमाते कहाँ है जो लेके जाएंगे। ये हमारे दूल्हा जी हैं जिनका शादी हुआ था, उस टाइम पे इनका बाल था इसलिए मम्मी मंत्रमुग्ध हो गई थी, लेकिन अभी भी मम्मी उतना ही प्यार करती है। आप हमारे पापा जिनसे हम भी बहुत प्रेम करते हैं, देखिए हमारा शक्ल कितना मिल रहा है। अब हंसिए तो हंसिए ना मम्मी, इधर बगल में जाओ। देखिए हमारी मम्मी जिस टाइम पर रोज शाम को सीरियल देखती है, एक सीरियल है सात फेरे महा ड्रामा वाला सीरियल है, पता नहीं हमको भी आदत लग गया देखने का, मेरी बहन को भी देख रही है, देख रही है गुड़ दो ना। देखिए अभी देख रही है, मतलब निकलने के कुछ देर पहले। इंसान जितना देख सकता है एटलीस्ट उतना देख ले, पूरा तो देख नहीं पाएगा, मिस हो जाएगा घूमने जाना, लेकिन सीरियल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी मम्मी के लिए। हमको पता है आप लोग व्लॉग को बहुत मिस किए हो। कोई और भी रेडी है भैया लिपस्टिक लगा के, जब तक आप अपने ट्रैवलिंग बैग में है तब तक आप अपना मुकुट अंदर ही रखिए। देखिए जरा कितने ध्यान से देखा जा रहा है सीरियल की तरफ। भले लेट हो रहा है लेकिन सीरियल नहीं छूटना चाहिए। बेचारे पापा खाना खा रहे हैं, मम्मी बोल रही है मुस्कुराइए। द फॉरएवर हैप्पी कपल, वो कपल जो बस फोटो खींचने टाइम ही शांत रहते हैं, फोटो के सामने शांत रहते हैं, जहाँ खत्म हुआ ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी पापा। 25वां सालगिरह पे मम्मी पापा को मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे हम लोग तब अगले साल। लेकिन मौसम बड़ा तगड़ा है और मजा आ रहा है, पता है हम मिडिल क्लास लोगों के जीवन में ना बहुत कम ऐसा मौका आता है जब पूरा फैमिली एक साथ खुशी से पागल हो जाए बाहर घूमने। हमको बड़ा ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम भले ही मिडिल क्लास से हैं लेकिन हमारे अरमान बहुत ऊंचे हैं और हम हर पल को जीना चाहते हैं। ऊंचा हो जाएगा अरमान, बहुत ऊंचे हैं ऑटो के अंदर से ही। मतलब सब हंस रहा है, खुश हो रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, मेरी तरह पागल तो नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। लेकिन हमारे पापा जो हमारे जस्ट सामने बैठे थे एक लफ्ज नहीं बोल रहे, लगता है मम्मी के पैर में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए थे। देखा पहुंच गए नी इस्कॉन टेम्पल, बड़ी सुंदर लगता है बाहर से तो। ए भैया नहीं आवा, नहीं आवा आवा नहीं आवा, मम्मी पूरा ऑटो हिला के उतरती है एकदम। ये हमारे भैया है, हमारे मम्मी पापा को बेटा वाला फीलिंग देता हुआ। ऐसे तो हमारे पास लड़का जैसा कटवा लिए ताकि हम भी बेटा वाला फीलिंग दे सके, लेकिन हमारे जो लक्षण है उससे हमारे मम्मी पापा संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए एक बेटा भी ले आए साथ में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप अगर मंदिर आते हैं और आपको भगवान पे भरोसा नहीं है तो आने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए अगर आप चप्पल रख रहे हैं मंदिर में आके तो भगवान भरोसे ही रखिएगा। ऐसे तो माखन चोर का पूजा कर रहे हैं, पूजा करना है माखन चोर का, चप्पल चोर का कोई भरोसा थोड़ी। धीरे धीरे यहाँ भी हनुमान मंदिर वाला सिस्टम आ जाएगा। मम्मी क्या तुम थक गई? नहीं नहीं, चलो हमारे सामने बोल नहीं सकती है कि थक गए हैं। अच्छा देख के चलो।
अकेले छोड़कर दो हंसों का जोड़ा वहाँ पे गुफ्तगू कर रहा है, दोनों साथ में मिल गया है, हम लोग बाहर आए हैं ताकि हमें चांद के साथ मिले और उन्हें प्यार के साथ मिले। यार पब्लिक प्लेस में अगर तुम कहीं घूमने आ रहे हो ना, सबसे ज्यादा अजीब लगता है ना जब कोई कहीं खड़े होकर फोटो खींच रहा है और तुम उसके फ्रेम में घुस जाते हो, तुम्हारे शक्ल तुम ऐसा आता है। क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट लगता है वो। ये मंदिर में आया तो हमारी एक टीचर से मुलाकात हुई है, शिक्षक हमारे शिक्षक। रजवा को संस्कृत में क्या कहते हैं ये नहीं पता। लेकिन हमारी संस्कृति अभी भी जिंदा है, मिले सबसे पहले प्रणाम किए शुभम भवतु। लेकिन सडनली मिल गया ना तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। संस्कार है हम में, ठीक है ना, हमारे परिवार में सबके भेंट मुलाकात हो रही है। रजवा को संस्कृत में बिजली मिस्त्री कहते हैं। अबे साले तभी दीदी बोल रही है रजवा को संस्कृत में रजवा बिजली मिस्त्री कहते हैं। बताइए कितना गलत बात बोल रही है रजवा। बिना बिजली के काम चलता है क्या? तो हम मंदिर आए, हम सभी ने हमारे सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की, हमने इसे आशीर्वाद भी दिया, इसने हमसे बहुत प्रार्थना की। चलो बाबू चलो। अरे तार विचार संस्कार यार, मजा नहीं आया कुछ यार, जैसे आए वैसे ही निकल गए। पता नहीं इंडियन फैमिलीज को इतनी जल्दी क्यों होती है हर चीज में। अभी मंदिर है, चलो जल्दी जल्दी चलो घर गए, जल्दी 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 खाओ, खा लिए जल्दी जल्दी सो जाओ। भैया कुछ तो आराम से कर लो यार। मम्मी मती से सबका चप्पल जगह पर है, करो एग्जिट, भागो भागो भागो। तुम लोग एग्जिट की थी जी। इस घर में पानी चूरा है, बहुत बुरी हालत है। मम्मी उलट मत जाना। अंगना घर अंगना, अरे टीवी चल रहा है यहाँ पे देख लीजिए। ये कुछ अलग टाइप का डांस फॉर्म है, इसका ट्यूटोरियल हम ही दिए थे इन लोगों को। ये वही लोग हैं जो पूरा मेन्यू पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया डोसा ले आइए। अगले साल सिल्वर जुबली है, मर्सिडीज तो देंगे मम्मी पापा को, कमा के नहीं तो गायब करके। अगर पट्टा में किसी के पास है तो सावधान हो जाओ। पता चला सही में गायब हो गया। अगला साल बहुत देर से भूखे थे हम लोग, अब मोबाइल फेंकेंगे साइड में, खाना खाएंगे। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला ताकत चाहिए हम लोग को घूमने फिरने के लिए। खाते ही पसार जाता है भैया, लगता है अब उठा कर घर लेके चल जाए। इसी से बाहर जाने पर ऐसा फीलिंग आता है कश्मीर से सीधा राजस्थान में जंप कर दिए। देखिए हमारे पापा एकदम आगे, हम फर्स्ट। हमारी मम्मी एक फोटो खींच दो, सब में सेम पोज। इतना फोटो शादी के दिन नहीं खिंचाया होगा ना, उतना फोटो आज खिंचाया है एनिवर्सरी पे। इतना हुआ यही दिन तो याद आएगा। हमारा दिन बहुत अच्छा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक बार भी डांट नहीं खाए पूरे रास्ता। अभी भी घर पहुंचने से पहले डांट खा सकते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, एक ही जिंदगी है, एक ही बार मिलती है, शादी भी एक ही बार होता है। इस बात का अफसोस है कुछ लोगों को। एनिवर्सरी की रात को हुई भयंकर लड़ाई हमारे मम्मी पापा के बीच में, आग लगाई हमने। आप लोग एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, पुण्य का भागीदारी आप भी बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा दिन था, क्या बताएं, बहुत सरप्राइजिंग ली, अभी तक हम डांट नहीं खाए, बहुत मजा आया। बाय बाबू, खाना खा लेना। अंधेरा है, बकरी पर आवाज निकल, एक बार अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग खो जाते हैं वीडियो देखने में, व्यू जाता है 800, लाइक जाता है 25, गलत बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपना कर्म नहीं बोलता है आदमी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग को सब्सक्राइब करने का बहुत जरूरत है, हमें अपना यूट्यूब फैमिली को बड़ा करना है ताकि ज्यादा बदमाशी हो, ज्यादा लोग देखें। ठीक है, बाय, जय माता दी। बता दे जाते जाते, अफसोस का कोई बात नहीं है, हमारी मम्मी हमारे पापा से बहुत प्रेम करती है, हमारे पापा भी हमारे मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए इतना मैं भारत